नमस्कार साथियों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने का लाभ क्या होता है, इसको करने से मस्तिष्क तीव्र बनता है, बालों में हमेशा कांति रहती है, काले रहते हैं और चेहरा हमेशा कांतिमय रहता है। तो इस तरह से इसके विभिन्न लाभ होते हैं और पूरे शरीर का ये शोधन करता है। तो इसकी विधि क्या होती है, किस तरह से शीर्षासन करते हैं, ये हम आज आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। देखिएगा जरा, तो आपने देखा किस तरह से इसको हाथों को लगाकर और शीर्षासन करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं करने के, एक तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि पूरा कोहनी हथेली और कोहनी दोनों जमीन पर टिकाना। यदि कोई ऐसे नहीं कर पा रहा है, उसको करने में असुविधा होती है, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है कि केवल हथेलियों को आप ज़मीन पर लगाएँ और केवल हथेलियों को लगा कर भी किया जाता है। दोनों प्रकार से इसे किया जा सकता है, हथेलियों को लगाकर और बिना हथेलियों को पूरे कोहनी लगाकर भी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।